डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। दिस इज राजकुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन और परफॉर्म अ एक्सपेरिमेंट ऑन पेल्टन व्हील। दिस इज इंपल्स टरबाइन, दिस इज मॉडल ऑफ इंपल्स टरबाइन। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, फिर मैं इसकी वर्किंग पूरा चला के इसको आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बता दूं। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये रनर है। सबसे अंदर आगर पोर्शन आप देखिएगा, ये रनर है। रनर के ऊपर जो दिख रहे हैं ये ब्लेड्स हैं, जिनको आप बकेट भी बोलते हैं। इनको ब्लेड भी बोला जाता है, इनको बकेट भी बोला जाता है, इनको वेन्स भी बोला जाता है ना, जो रनर के जस्ट ऊपर लगी हुई है। और इसके बाद ये पूरी केसिंग है, इसको बोलते हैं केसिंग। केसिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पानी है, जो वाटर है, वो वेस्टेज ना हो, बाकी पानी जो फैले ना, यहाँ वहां ना जाए, उसके लिए हम केसिंग का यूज करते हैं। और यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाले जो पोर्शन है, ये पूरा नोजल का पोर्शन, ये आगे तक गया हुआ है, आगे तक है, ये नोजल का पोर्शन है। ये देखिए यहाँ नोजल से हाई स्पीड में भी पानी निकलेगा, जब मैं अभी चला के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से हाई स्पीड से वाटर निकलता है, तो वाटर जब हाई स्पीड से आता है तो उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, फिर जब वो हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, नोजल उसको कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। तो हाई स्पीड से जब टकराएगा टकराएगा जब टरबाइन की ब्लेड्स पर, जिससे ये घूमेगा, रोटेट होगा, जिससे मैकेनिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी, और मैकेनिकल एनर्जी फिर हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मैं पार्ट्स आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है रनर के जस्ट बाहर, ये स्पीयर होता है। स्पीयर का काम होता है फ्लो को रेगुलेट करना। अगर आपको वाटर की सप्लाई ज्यादा करना है तो इसको आपको पीछे की तरफ कर देंगे, और अगर आपको वाटर की सप्लाई कम करना है तो इसको आप आगे की तरफ कर देंगे। और इनलेट पर जो आपको प्रेशर मेजर करना है, जो फ्लूड आ रहा है, जो वाटर आ रहा है, उसका प्रेशर कितना होगा, इस प्रेशर गेज से आप उसकी प्रेशर की रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। ये जो आपको जो पाइप दिख रहा है वाला, जो पाइप, इसको बोलते हैं पेनस्टॉक। ये जो पाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं पेनस्टॉक। ये जो पेनस्टॉक होता है, एक्चुअल में ये डैम से कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मॉडल है तो यहाँ पे हमारा टैंक है। टैंक में ये मोटर लगी हुई है, और इस ये मोटर जो है ना पंप की तरह काम करेगी। ये मोटर जो पंप की तरह एक्ट करेगी, ये वाटर को लिफ्ट करेगी, और वाटर जो लिफ्ट होकर जाएगा पेनस्टॉक से, पेनस्टॉक से फिर टरबाइन में जाएगा, इससे टरबाइन रोटेट होगा। और यहाँ पे पेनस्टॉक में प्रेशर ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे इनलेट पे जब ये पेनस्टॉक या मिड में अगर आप देखिएगा, यहाँ पे आप प्रेशर ड्रॉप होता है थोड़ा बहुत। जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो यहाँ से पहले वाले से आप पहले एक प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सेकंड वाले से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा बहुत प्रेशर ड्रॉप होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो सकता है, फिर ये पूरा जाएगा। और यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हाई स्पीड से ज्यादा वाटर जा रहा है, देखिए नोजल से, जैसे टरबाइन को जो घुमा रहा है, टरबाइन का रनर है वो घूम रहा है। और ये हाइड्रोलिक एनर्जी, वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, साथ घूम रही है। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह से पेल्टन व्हील टरबाइन जो है हमारा, ये पूरा वर्क करता है।